बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी हस्बैंड के लिए कि 498A का कानून ख़त्म हो गया है। जो पत्नी आप लोगों पे दहेज क्वालिटी आपके ऊपर या आपके रिलेटिव्स पेरेंट्स फैमिली मेंबर्स के ऊपर लगा दिए जाते थे वो कानून अब ख़त्म हो गया है। 498A का कानून ख़त्म हो गया। IPC में बड़े बदलाव को लेकर मोदी सरकार बिल लाई है लोकसभा संसद में। 498A लगभग समझिए हट गया, बस कुछ ही दिनों की बात रह गई है। अब आपके ऊपर 498A का सेक्शन नहीं लगेगा और ना ही CRPC 125 का, जो कि आमतौर पे खर्चे के लिए पत्नी के द्वारा लगाया जाता था। आपको ये समझना होगा कि आमतौर पे पत्नियां ऐसे बहुत सारे झूठे केसेस हस्बैंड के ऊपर लगा देती थी, जिसकी वजह से पुलिस परेशान करती थी, कोर्ट के चक्कर काटना, बेल लेना और फिर ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ता था। और बार बार ये मांग उठती भी थी, जो NRIs है वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते थे पासपोर्ट इम्पाउंड को लेके, जानबूझ के उन पर FIR करना जिससे कि उनका करियर को इफ़ेक्ट पड़े, उनके जॉब को इफ़ेक्ट पड़े। आमतौर पर ये देखा जाता था कि वाइफ का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आपसे डिवोर्स लेने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे वसूलने के लिए झूठे केसेस लगाए जाते थे। ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ पर झूठे केसेस की वजह से परिवार बिखरे, लोगों की जाने तक गई। अब ये कानून ख़त्म हो गया है, अब आपके ऊपर परिवार वालों के ऊपर 498A नहीं लगेगा। इसको लेके अब आपको कहीं से, जो पहले होता था सेक्शन 498A को लेके बहुत एक हुआ है गूगल पे यूट्यूब पे, ये अब बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। पत्नी जो झूठे केसेस आप पे, तो लगता था कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है और 498A को हटना चाहिए। इस चीज़ को हटाने के लिए बार बार सरकार से, कोर्ट से मांग की गई, लेकिन लोकसभा मोदी सरकार ने ये फैसला किया जनहित में कि भैया इस कानून को हटाया जाए, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा पुलिस वर्ग प्रताड़ित है और मांग कर रहा है। ये कानून आज से नहीं, 160 साल पुराना था, यानी 1862 में IPC बना था। अब भैया मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इस IPC का भी नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता करने का, और जो हमारे 498A के सेक्शंस थे IPC के अंदर वो भी हटा दिए गए हैं। अब ये सेक्शन बदल दिया गया है, ये भी मैं बता दूं, अब ये सेक्शन आपका 84 हो गया है। इस तरीके से CRPC 125 जहाँ पे वाइफ क्लेम करती थी मेंटेनेंस का, वो सेक्शन अब बदल के सेक्शन 144 हो गया। काफ़ी बड़ा बदलाव है, लेकिन चीज़ें वहीं पे रहेंगी, केवल सेक्शंस बदली हैं, ना सजा बदला है, ना कुछ चीज़ें बदली हैं। आज भी वाइफ 498A का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सेक्शन 84 का इस्तेमाल करके आपके ऊपर केसेस दर्ज करवाए जाएंगे, झूठे आरोप में फंसा के अपनी अनलॉफुल डिमांड को पत्नियां पूरी करवाएंगी। क्योंकि वो ज़माना चला गया जहाँ पे हस्बैंड प्रताड़ित करता था, अब आपके ऊपर झूठे केसेस होते हैं सेटलमेंट के नाम पे, आपसे पैसे वसूलने के नाम पे और अपनी मांगों को पूरी करवाने के नाम पे। अगर आप भी अपनी पत्नी के साथ प्रताड़ित हैं, आप पे झूठे केसेस किए गए हैं, मामला ऑलरेडी कोर्ट में थाने में पेंडिंग है, आप मदद के लिए हमें कॉल करें, एडवोकेट के द्वारा सारा कुछ बताया जाएगा, जिससे आपका वकील ना बेवकूफ़ बना सके, आपको ना पुलिस डरा सके, ना वाइफ डरा धमका सके, हर एक चीज़ आप डराई जाएगी। उसके लिए हमारे हेल्पलाइन पे आप व्हाट्सअप कर दें अपना मैटर शॉर्ट में लिख के, फिर आपको कॉल बैक जाएगा, सारी चीज़ें आपकी सुने जाएंगे, उस सिचुएशन में क्या करना है, नहीं करना है, कैसे हैंडल करना है, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके, सारा कुछ आपको बताया जाएगा।